हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपंकर, आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल डिसीडेंट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाला है अपना कंप्यूटर से चाहे अपना लैपटॉप से आप आसानी से टेलीग्राम वीडियो कॉल से टेलीग्राम ऑडियो कॉल कर सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको किसी भी तरह इमुलेटर सॉफ्टवेयर चाहे किसी भी तरह प्लगइन को यूज करना नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, हम हर वीडियो का तरह हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके जाऊंगा एंड स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। उसका पहले आप लोगों का पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर दोस्तों ऐसा इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो देखना आप पसंद करती है तो चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो हम चलती है हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पर। वेलकम बैक दोस्तों, हम आ चुका हूँ हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अगर आप अपना कंप्यूटर से चाहे लैपटॉप से टेलीग्राम वीडियो कॉल चाहे ऑडियो कॉल करना चाहती है तो सबसे पहले आपको किसी भी एक ब्राउजर को ओपन करना है, जैसे कि हम यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो दूसरा किसी भी ब्राउजर यूज कर सकता है। ओके दोस्तों, एंड ब्राउजर ओपन करने के बाद सिंपल सा गूगल पर चला जाना है। गूगल सर्च बार पर टाइप कर दीजिए टेलीग्राम। टेलीग्राम लिख के सर्च कर देने के बाद आपका सामने पर कुछ ऐसा वाला इंटरफेस दिखाई देगी। जो सबसे पहले वाला जो लिंक यहाँ पर दिखाई दे रहा है telegram.org, इस लिंक को ओपन करना है। इस लिंक को ओपन करने के बाद आपका सामने पर कुछ ऐसा वाला इंटरफेस दिखाई देगी। इस वेबसाइट है टेलीग्राम का ऑफिशियल वेबसाइट। ओके दोस्तों, तो थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर देख सकता है टेलीग्राम फॉर पीसी मैक एंड लिनक्स। ओके दोस्तों, एंड इस साइट पर लिखा है मैक ओएस। आपका कंप्यूटर चाहे लैपटॉप जिस डिवाइस का है तो उसका हिसाब से आप ऑफिशियल टेलीग्राम को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि हमारा कंप्यूटर है विंडोज का, तो सिंपल सा हम यहाँ पर जो टेलीग्राम फॉर पीसी है इस पर क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर जो लिखा है गेट टेलीग्राम फॉर विंडोज, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देख सकता है जो सेटअप फाइल है डाउनलोड हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो सिंपल सा हम इस सेटअप फाइल को हमारा कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लूंगा। तो दोस्तों, इंस्टॉल करने का टाइम लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगी, तो आप जिस लैंग्वेज को यहाँ से चूज करना चाहती है तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकती है। एंड यहां पर सिलेक्ट हो जाने के बाद ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए एंड यहां पर आप आसानी से इंस्टॉल कर लीजिए। किसी भी तरह प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही आसान तरीका से इंस्टॉल हो जाती है, किसी भी तरह प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके दोस्तों, तो आपने देख चुका है जो कितना आसानी से इंस्टॉल हुआ है। ओके, एंड फिनिश जो बटन है इस पर क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं टेलीग्राम जो अभी आपका सामने पर जो इंस्टॉल किया है वो टेलीग्राम यहां पर आ चुका है। ओके, एंड इसको ओपन कर लेती है। इसको ओपन करने के बाद आपका सामने पर कुछ ऐसा वाला इंटरफेस दिखाई देगी। ओके, यहां पर जो स्टार्ट मैसेजेस है यहां पर क्लिक कर देने का। यहां पर क्लिक कर देने के बाद अपना मोबाइल नंबर डाल के यहां से साइन अप कर लेना है। ओके दोस्तों, तो जैसे कि यहां पर कंट्री को सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, आप जिस कंट्री का रहने वाला है आप वहां से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हम इंडिया पर रहने वाला हूं तो हम इंडिया को यहां से सिलेक्ट कर लिया है। तो यहां पर आपका पसंदीदा मोबाइल नंबर को टाइप कर दीजिए। ओके, तो हमारा मोबाइल नंबर को यहां पर टाइप कर देती है। दोस्तों, माफ करने का, हमारे सिक्योरिटी के लिए इसको ब्लर कर दिया है। नंबर टाइप हो जाने के बाद यहां पर जो नेक्स्ट वाला जो बटन है यहाँ पर क्लिक कर देना है एंड आपका दिया हुआ मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगी, तो उस ओटीपी को यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे कि हमारा ओटीपी यहाँ पर आ चुका है तो हम फिलअप कर देती है। तो दोस्तों, आपका ओटीपी फिलअप कर देने के बाद आपका सामने पर कुछ ऐसा वाला इंटरफेस आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड प्रोफाइल इमेज को सेट करने के लिए बोला जाएगी एंड नीचे वाला जो साइन अप जो बटन है इस पर क्लिक कर देना पड़ेगी। ओके दोस्तों, तो इस पर क्लिक कर देने के बाद आपका सामने पर पूरी तरह से खाली वाला एक पेज ओपन हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो सिंपल सा आपको यहाँ पर जो न्यू कॉन्टेक्ट जो लिखा है इस पर क्लिक करके आप जिस कॉन्टेक्ट को एड करना चाहती है तो सिंपल सा आप कॉन्टेक्ट को एड कर लीजिए। ओके दोस्तों, अगर आप वहां से ऐड करना नहीं चाहता है तो सिंपल से यहाँ पर जो थ्री दागी वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके एंड ऐड कॉन्टेक्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो सिनल हम यहाँ पर किसी भी तरह कॉन्टेक्ट को ऐड नहीं करना चाहती हूँ, आप चाहे तो कर लीजिए। ओके दोस्तों,
तो सिंपल सा आपका ऐड किया हुआ जो नंबर है उसको आप ओपन कर लीजिए। जो नंबर यहाँ पर ऐड किया है तो उस नंबर पर आप चाहे तो किसी भी मैसेज को टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी मैसेज को टाइप करके यहाँ पर जो सेंड वाला बटन है इस पर क्लिक करके आप अपना फ्रेंड को सेंड कर सकती है। आप चाहे तो अपना फ्रेंड को इमोजी भी सेंड कर सकता है। बहुत सारे इमोजी यहाँ पर दिखाई दे रहा है एंड कैटेगरी भी दिया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ से सिलेक्ट करके अपना फ्रेंड को इमोजी भी सेंड कर सकती है। तो दोस्तों अगर आप चाहती है जो अपना फ्रेंड को किसी भी मीडिया फाइल को चाहे पीडीएफ वगैरह को सेंड करना चाहती है, यहाँ पर जो पिन वाला थंबनेल है इस पर क्लिक कर दीजिए एंड क्लिक कर देने के बाद अपना कंप्यूटर का सारे फाइल यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ से आप फाइल को सिलेक्ट करिए एंड सेंड कर दीजिए अपना फ्रेंड को। ओके दोस्तों अभी चलती है वीडियो कॉल एंड ऑडियो कॉल पर। ओके तो सिंपल से यहाँ पर देख सकता है जो अपना कॉल का बटन दिया हुआ है। अगर आपका कंप्यूटर पर कॉल का बटन नहीं आ रहा है तो इसके लिए डरने का किसी भी तरह जरूरत नहीं है। ओके अगर आपको इस थंबनेल नहीं दिखाई दे रहा है तो अपना दोस्तों का मोबाइल से चाहे अपना किसी रिलेशन का मोबाइल से टेलीग्राम को ओपन करिए एंड वहां से एक बार टेलीग्राम कॉल कर लीजिए एंड अपना कंप्यूटर पर रिसीव कर लीजिए तो ऑटोमेटिकली इस जो थंबनेल है यहाँ पर दिखाई देगी। ओके दोस्तों तो सिग्नल हमारा पहले से आ चुका है, अभी आप लोगों को हमारा मोबाइल पर कॉल करके दिखा देती हूँ। दोस्तों साइट पर जो मोबाइल का स्क्रीन दिखाई दे रहा है वो हमारा मोबाइल को हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वहाँ पर सेट कर दिया है, क्योंकि दोस्तों हम भी आप लोगों को आसानी से देखा सकती है और आप भी आसानी से समझा सकती है इसीलिए। ओके दोस्तों यहाँ पर जो कॉलिंग वाला जो बटन है इस पर हम क्लिक कर देती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मोबाइल पर कॉल आ चुका है, इसको हम रिसीव कर लेती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकता है हमारा कॉल रिसीव हो चुका है। ओके दोस्तों ये जो कॉल है ये ऑडियो कॉल है। अगर आप वीडियो कॉल करना चाहती है तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो वीडियो वाला जो थंबनेल है जो स्टार्ट वीडियो लिखा है इस पर क्लिक कर देना है एंड अपना मोबाइल पर जो स्टार्ट वीडियो है उस पर भी क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकता है आसानी से कितना अच्छा से कॉल हो रहा है। तो दोस्तों आप इस ट्रिक्स को यूज करके आप आसानी से किसी भी कंप्यूटर से चाहे लैपटॉप से आप आसानी से वीडियो कॉल चाहे ऑडियो कॉल कर सकते हैं। ओके दोस्तों तो दोस्तों हम इस कॉल को काट कर देती है। तो दोस्तों अभी आप लोगों को दिखाया है हमारा कंप्यूटर से हमारा मोबाइल पर कॉल करके आप लोगों को दिखाया है। तो दोस्तों अभी हमारा मोबाइल से हमारा लैपटॉप पर कॉल करती है और देखती है हमारा लैपटॉप पर कॉल रिसीव होता है क्या नहीं होता है। ओके दोस्तों हम जो मोबाइल है उस पर हम कॉल करने वाला हूँ, पहले हम ऑडियो कॉल करके देख लेती है। ओके तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लैपटॉप पर कॉल आ चुका है तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑडियो कॉल पर आसानी से बात हो रहा है एंड हम लोग आसानी से बात कर पा रहा है। ओके दोस्तों तो यहाँ पर जो स्टार्ट वीडियो है इस पर क्लिक कर देती है। तो यहाँ पर देख सकता है जो हमारा मोबाइल से हमारा लैपटॉप पर भी अगर कॉल करती है तो भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से बात हो रहा है। ओके दोस्तों तो दोस्तों इस ट्रिक्स को फॉलो करके आप किसी भी लैपटॉप से चाहे अपना कंप्यूटर से आप किसी भी टेलीग्राम कॉल को रिसीव भी कर सकता है, चाहे आप किसी भी टेलीग्राम कॉल आसानी से कर सकता है। ओके दोस्तों दोस्तों आज का वीडियो इतना तक ही है। हम उम्मीद करती हूँ जो आपको इस वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप ऐसा इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो देखना पसंद करती है तो चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साइड पर आने वाला जो बेल आइकन है उससे भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हमेशा यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहती है। ओके दोस्तों तो हम फिर मिलती हूँ आप लोगों के लिए कुछ नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। उसी टाइम के लिए बाय बाय।